वेलकम लाइव, दिस इज अ वंडरफुल इवेंट जहाँ पे चारकोप ये पेट्रोल बंक है, यहाँ खुले आम उन्होंने हमारे साथ हमारे यहाँ पे बिल के साथ प्रूव हुआ है कि पेट्रोल चोरी करके डाल रहे हैं, खास करके वी हैव ऑलरेडी कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन, वी हैव ऑल्सो कंप्लेंट विद द मीडिया और यूट्यूब में। यहाँ के लोग पहले झूठ बोल रहे थे, पर जैसे भीड़ जमा हुई वो लोग सच बोलने लगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट, आप इसे शेयर करते रहिएगा, वी आर लाइव हियर टिल द पुलिस कम्स। और जैसे भी आप चाहे प्लीज कीप शेयरिंग विद देम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि ये रेगुलर हो रहा है, पर जब तक भीड़ जमा नहीं होती हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। तो इशू ये कैसे पकड़ा गया कि ये पेट्रोल भराने आई और इसका आया था, इन्होंने फुल टैंक करने को कहा, 300 का बिल दिया और फाइनली शायद तो 100 रुपए का पेट्रोल भी नहीं भराया गया। और ये हमारे साथ रेगुलर होता था, पर आज प्लीज कीप ऑन शेयरिंग, वी आर एक्यूमुलेटिंग योर, बट यहाँ हम नहीं चाहते कि इसको सॉल्व किया जाए। प्लीज कीप शेयरिंग दिस लाइव वीडियो, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं ये दो कल्प्रिट नहीं है, शायद ये पूरा पेट्रोल पंप कल्प्रिट है। आई थिंक वो नॉमिनेशन करा कि शायद जॉब से भी निकाल दे, हमें पता नहीं, पर ये दोनों खाली कल्प्रिट नहीं है, पूरी टीम कल्प्रिट है यहाँ की। तो अगर ये या तो भारत पेट्रोलियम इस पे एक्शन ली जाए और बाकी सब पंप पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे जैसे जहाँ डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट में हम पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पर रोज हमारे 100-100 रुपए ऐसे पेट्रोल पे जा रहे हैं। पहले तो एक्शन हो गई, दे ऑल्सो एडमिटेड दैट उन्होंने गलती से 100 रुपए का पेट्रोल पंप डाला था, और अब बोला मैडम को कि आप दीजिए, हम और दे देंगे, हम और डाल देंगे। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस लिंक ऑल्सो, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेल देम दैट अगर आप पेट्रोल में चोरी करते हैं तो अब हम नहीं सुनते, और जब तक हम चिल्लाते नहीं या डांटते नहीं या लाउड स्पीकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होती। यहाँ पे एक लाइन तो हमने बंद करवा दी, क्योंकि शायद वो लाइन में इशू है, वो लाइन में हर बार मीटर्स के साथ इशू होता है। बिल दिखा देंगे आप, सी दिस इज अ बिल, जस्ट आपको प्रूफ दिखा देना चाहते हैं। ये बिल था जिसपे उन्होंने क्लियरली लिखा है 300 रुपए और 3.85। तो अपने हमने एक शर्त रखी है कि आप इस बाइक अभी स्कूटर में डाला 3.85 लीटर, प्लीज उस लीटर को बाहर निकालिए, अगर वो 300 रुपए का पेट्रोल आया तो हम चले जाएंगे, इसमें पेट्रोल नहीं है उतना। हाय फ्रेंड्स, आई एम लाइव बैक अगेन इन चारकोप पुलिस स्टेशन। हमें जब पेट्रोल पंप पे बताया गया था कि ये कंप्लेन की कि आप पुलिस स्टेशन आओ, पुलिस स्टेशन पर आने के बाद हमें बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन ये FIR नहीं ले सकती, ये कंज्यूमर कोर्ट का मामला है। तब तक वो पेट्रोल पंप वाले मशीन के साथ कुछ जाली किया होगा, और वो भी दूसरी बात ये भी कि पुलिस स्टेशन वालों ने सिर्फ वहाँ पे जो लेबर काम करते वो बुलाया, मैनेजर को यहाँ नहीं बुलाया है। अगर आप देखेंगे she's the one who launched the complaint, बट कंप्लेंट ली नहीं जा रही है, तो पुलिस स्टेशन हमें पब्लिक को क्यों हटाया वहाँ से? अगर हमें पब्लिक को वहाँ से हटाया जाता है और यहाँ बुलाया गया, एंड दे आर आस्किंग टू गो आउट एंड यू डू द रिकॉर्डिंग, द ओनली थिंग इज वो दो बंदों को पकड़ के लेके आए, बट हम सब यहाँ आज भी खड़े हैं, वॉट इज दैट? आज अगर वहाँ पे, और फिर तभी बता देना चाहिए था कि वो उनका मैटर ही नहीं है, वो कंज्यूमर कोर्ट का है। अभी तक तो वो मशीन के साथ वापस टेम्परिंग करके सीधा कर देंगे, नहीं तो हम वहीं पे खड़े रह के पेट्रोलियम मिनिस्टर को कंप्लेन करके वहाँ मशीन चेक करवाते और सील करवाते। वो पेट्रोल पंप सील नहीं हुआ, द रीजन इज पुलिस गाइस टोल्ड अस हियर खाली भीड़ को अलग करने के लिए। वॉट आर दे डूइंग, वाई आर दे नॉट कंप्लेनिंग? वो दो बच्चे बंदे जो वहाँ पे लेबर काम करते उनको उठा दिया, कोई अकेला अपनी मर्जी से मशीन टेम्परिंग नहीं करता। एक बंदा है वो इंजीनियर नहीं है, वो मशीन टेम्परिंग वहाँ के पंक वालों ने किया था, बट स्टिल दे विल बी पुलिस इसको पकड़ के रख दिया। इनोसेंट लेबर्स आर कॉट, इनोसेंट तो नहीं थे, वो भी चोरी में हिस्सेदारी थे, बट वॉट अबाउट अदर्स? वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, नो रिप्लाई नो रिस्पॉन्स। प्लीज रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस लाइव वीडियो विद अदर्स टू टेल दैट भारत पेट्रोल बंक चोर है और वो चारकोप वाला बंद करवाए। ये दो बंदे जो जिनको अरेस्ट किया है, हमारा काम वो नहीं था, मैनेजर अभी तक वो ब्रांच पुलिस स्टेशन नहीं आया, पुलिस स्टेशन ने बोल दिया ये हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर हमें वहाँ से हटाया क्यों? हम वहीं पे भीड़ जमा कर रहे थे ना, और वो 7 बजे थे, हमने किसी को बुलाया होता तो मशीन को रिपेयर करवा सकते थे, हमने खाली भीड़ बंद करके बंद करवाया। नाउ इफ़ वी गो देयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वहीं पे वापस जाए और देखे, बट किसके पास समय है, अब कितने लोग जमा होंगे, राइट? दिस इज हाउ द केसेस आर नॉट रिजॉल्व। प्लीज सजेस्ट हमें क्या करना चाहिए, वॉट शेल वी डू? कंज्यूमर कोर्ट में हम कंप्लेन करेंगे, बट कंज्यूमर कोर्ट में प्रूफ मांगेगा, अभी तक तो मशीन को टेम्पर कर देंगे, रात को बैठ के उनके पास फुल टाइम होगा, वॉट शेल वी डू? प्लीज सजेस्ट, वी आर वेटिंग, हम लोग भी
यहाँ पे जो कंप्लेन करने आए हैं वो भी ऑफिस में काम करते हैं, हमारे पास फुर्सत है। आई अग्री पुलिस स्टेशन में नहीं होती कंप्लेन, पर पुलिस स्टेशन ने वहाँ तभी हमें क्यों नहीं बताया, हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया था? तो फिर और वो भी जिन्होंने कंप्लेन की, बाकी सब तो भीड़ घर चली गई। प्लीज शेयर इट, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वो जो अगर मुझे कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँचना है प्रूफ कैसे लेके आऊँ। वी नीड प्रूफ, राइट? हाउ टू एक्यूमुलेट प्रूफ? यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठ के तो मशीन में आता वापस टेम्पर किया था, उसे ठीक कर दिया। प्लीज सजेस्ट हमें क्या करना चाहिए, वी रियली नीड योर सपोर्ट। पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पे खाली पुलिस स्टेशन में खाली खड़े रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता। नाउ एज वी आर गोइंग टू मूव आउट, हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते। एनी रिकमेंडेशन के पेट्रोल पंप पे जाके किसको बुलाया जाए अभी, कि वो मशीन को सील कर दिया जाए? अभी मुझे पता नहीं है, अभी फिलहाल आधे घंटे में मशीन चालू है कि नहीं वापस। एंड दे आर जस्ट, यू कैन सी, आई जस्ट टेक इट, खाली दोनों को वहाँ खड़ा कर दिया है बट मैनेजर आया नहीं। हाय, गुड आफ्टरनून, शायद वापस आई हूँ। अब मैं वापस आई हूँ आफ्टर अ लॉन्ग डे एट द पेट्रोल पंप, यस्टरडे इवेंट, टुडेज इवेंट। कुछ अपडेट्स, क्योंकि जब मैंने इनिशिएट लिया था मुझे पता नहीं था ये इतने लोगों तक पहुंचेगा, पर अगर इतने लोगों तक पहुंचा है तो अब ये एक बात पक्की है कि सिर्फ ये एक पेट्रोल पंप में नहीं होता है, कहीं और पेट्रोल पंप में भी होता है और सब इस बात को अग्री करते हैं। आज जब हमने ये कमेंट डाली थी तो BPCL के जो मैनेजर है सूरज प्रताप, जो डिप्टी मैनेजर है, वो सभी आए, उन्होंने वहाँ पे सब चीज़ें मशीन और वो सब चेक किया, राइट? सो जो सूरज प्रताप थे, जो जिनका नंबर वहाँ पे डिस्प्ले पे था पर हमें कल रात को दिखा नहीं क्योंकि वो पीछे था, तो सबसे पहले तो हमने उनको एक सजेशन दी है और रिक्वेस्ट किया है कि आप वो जो आपका नंबर और बैनर है वो आगे लगा दें क्योंकि अंधेरे में वो पीछे की साइड दिखती नहीं है जो कल रात को हुआ था। उसके बाद उन्होंने हमें पूरी प्रोसेस समझाई कि वहाँ पे मशीन टेम्परिंग नहीं हुई है। ये मशीन टेम्परिंग क्यों नहीं हुई है ये उन्होंने समझाया, और पहली बात तो है कि ऑफकोर्स मैं भी थोड़ी सी, मैंने कहा नहीं ये इशू था, पर उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया। जो मशीन टेम्परिंग होती है वो आसान नहीं है, और वो तो कैमरा के बीच टेम्परिंग नहीं हुई थी, तो टेम्परिंग क्यों नहीं हुई थी, और उनकी जो प्रोसेस है जो सेंटर से मैनेज की जाती है कि जब भी आगे मशीन, जो डिजिटल मशीन होते हैं, जब भी पेट्रोल पास तो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क सिस्टम है जो BPCL के हेडक्वार्टर, मतलब उनके इंटरनल लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो वो फ्रॉड नहीं था। तो पहली बार टेम्परिंग वाली चीज नहीं थी, यस बिल का इशू था, और उन्होंने मुझे, मैंने उनको क्लियर बताया कि हमारे यहाँ पे वो 300 पंच किया था, तो उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई कि जब आप 300 पंच करते हैं, यानी जब भी वो मशीन पे उन्होंने 300 पंच किया और हमने देखा 300 किया, पर जब वो मशीन उठाते हैं और एंटर करते हैं वो ऐसा, वो कहते जैसे आपने ATM कार्ड, जैसे और आपने पिन कार्ड डाला, ऐसे ही मशीन कार्ड दिया तो कार्ड तो अंदर गया था, आपने लगा आपने पिन कार्ड डाला था। सिमिलरली वो लोग खाली पंच करते हैं, यानी वहां पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने वो मैन्युअली नंबर पंच किया और हमें ऐसा लगता है उन्होंने पंच किया। उसके बाद मैंने वहां दिखा था तो उन्होंने कहा और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि जब आप मशीन रखते हैं और उठाते हैं उसके बीच 4-5 सेकंड लगती है मशीन को जीरो से वापस ओरिजिनल बिल पे आने के लिए, मतलब 4 सेकंड तो स्पेशल बाइकर भरवाते हैं। पहले मैंने शायद 50 रुपए का भरवाया, मैं उठाया और हमें जो दिखा और शुरू कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्ट वो 50 से 300 तक की बिलिंग जाती है। तो उसी तरह से जब फुल टैंक करते हैं खास करके देखना है कि आगे वाले ने भरा था और आप कहाँ पे थे। सेकंड, दूसरी है 8 सेकंड मिनिमम लगती है पेट्रोल भरने के शुरू होने के। दूसरा और एक चीज उन्होंने बताई कि टोटली अब जो ऑटोमेटेड मशीन हो चुके हैं कि जो मशीन जो यहाँ पेट्रोल भर रहा है उस नोजल में इसके बाद वो ऑटो रीसेट होता है, यानी अगर मैंने 30 सेकंड तक पेट्रोल नहीं भरा कहीं पर मैंने उसको स्टैंड लगा तो नोजल जीरो चला, अगर स्टैंड पे नहीं लगाया है और मैंने हाथ में पकड़ा है तो 30 सेकंड लगती है उस नोजल को जीरो होने तक। ये कस्टम सेट है, उसको बदलते नहीं है, पर अगर आप अगर किसी भी पेट्रोल पंप में जहां पे भी बाइकर्स पेट्रोल भराते हैं, हमने देखा है, हमने वहां पे नोट किया 25 सेकंड के अंदर नेक्स्ट पर चला जाता है,
तो अगर 25 सेकंड में बाइक भर चली जाती है तो एक ही चीज है कि वहां पे पेट्रोल नहीं रखा नहीं गया, जीरो किया नहीं गया। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरे पैसे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि मुझे जीरो पे होना चाहिए, और जीरो नहीं हो रहा है तो ये हमारी जो प्रॉब्लम जिसके कारण वो मैनुअल जो अटेंडेंट था वो लेबर करा था, लेबर की इश्यूज थी। तो उन्होंने एक चीज की जिससे शायद पता नहीं मैं अग्री करती हूँ डिसअग्री करती हूँ, मेरी कोई ओपिनियन उसमें मायने नहीं रखती, उस दो बंदों को फायर कर दिया गया है, उनपे इंक्वायरी बैठ के FIR फाइल आई जो बीएसएल खुद करेगी ऑफिशियली, दो लेबर पे, दो अटेंडेंट पे ही। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये कैंपेन, ये वीडियोस जो शुरू किए थे उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको डिजिटल होना चाहिए, एवरीथिंग शुड हैव बीन डिजिटल। तो डिजिटलाइजेशन के लिए BPCL ने अग्री किया है कि अगले 5 तारीख तक मतलब 5 मार्च तक जितने भी BPCL के इस चारकोप के पेट्रोल बंक के हैं वो डिजिटल मशीन में चले जाएंगे, यानी बिल कंपलसरी डिजिटली निकलेगा, मैनुअल बिल इश्यू नहीं होंगे, वो डिजिटली बिल ही निकलेंगे और डिजिटल ही दिए जाएंगे और वो कंपलसरी हो जाएगा, जिसके कारण हर बार वो जीरो पे ही सेट होना कंपलसरी हो जाएगा। सिर्फ चीज हो जाएगी हमें यहाँ पे पेशेंस बढ़ाने पड़ेंगे, जो बाइक 20 सेकंड में बाहर निकल जाता है उसको अभी 30 सेकंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 सेकंड का गैप आएगा ही वो बिल प्रिंट निकालने के लिए और जीरो तक आने के लिए, जिससे ये पक्का बात हो सकती है कि हमारे पैसे बच जाएंगे और हम चीट नहीं होंगे। पर हमारी जो मेरी आइडिया थी सिर्फ एक पेट्रोल बंक के लिए नहीं है, हर पेट्रोल बंक में तो BPCL के जो वेस्टर्न रीजन के डेप्यूटी मैनेजर थे सूरज प्रताप, उन्होंने कहा है वो ये वेस्टर्न रीजन में आगे करेंगे और हम वो आगे और से बात करेंगे कि जितने भी बंक मुंबई में ग्रेजुअली सभी गए होते हैं वेस्टर्न की कैंपेन को कटिंग चाहेंगे। BPCL के नहीं HPCL भी हर एक जो मशीन होती है वो डिजिटल बिल है, जिसके कारण मैं जो अटेंडेंट है वो कोशिश चीटिंग ना करे। उसी के साथ और एक चीज जो बात पता चली कि जब आप ये डिजिटल बिलिंग तो बात होती है पर दो चीजों हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहला हमें वो जीरो होते हुए देखना है और सिर्फ जीरो होते हुए नहीं, जीरो होके ब्लिंक होके वापस जीरो आता है वो कब तकरीबन 4 सेकंड ये भारत पेट्रोलियम चारकोप के बंक में लगता है, हर पेट्रोल बंक की होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो नहीं हुआ आप चीट हो सकते हैं, जीरो ब्लिंक होके वापस जीरो ना दे भी वो रीसेट होता है, बिल दिया था, पर ये तो हमने इतना हाईलाइट किया इसीलिए प्लीज कंटिन्यू दिस, हमें लोगों तक पहुंचाना है अवेयरनेस के पेट्रोल जिम्मेदारी, सही पेट्रोल हमारे स्कूटर या बाइक में जा रहा है वो हमारी जिम्मेदारी भी है और ज्यादा पैसा ना हो जाए इसलिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी अपडेटिंग सून अगेन कि पुलिस कंप्लेंट तो FIR भी BPCL करने वाले हैं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि गो अहेड।